मित्रों जय माता दी। 21 नवंबर गुरुवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, सभी राशियों का राशिफल एवं कुछ चमत्कारी टिप्स की जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप लोग को शुभ हार्दिक कामनाएं देते हैं जिनकी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 21 नवंबर गुरुवार 2024 श्री सुसंवत 2081 सकसंवत 1946 मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि सूर्य वृश्चिक राशि में चंद्रमा कर्क राशि पुष्य नक्षत्र रात्र में 7:55 तक रहेंगे। तदुपरांत श्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। दिशा सूर्य दक्षिण दिशा परिहार जीरा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो थोड़ा सा जीरा खाकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। राहु काल दिन में 1:30 से 3 तक, गुलिक काल प्रातः 9:30 से 10:30 तक, यमगंड काल प्रातः 6 से 7:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं या यात्रा राहु काल में आरंभ की जाती है ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आपको कोई शुभ काम करना है या यात्रा का आरंभ करना है ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आज के शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। देखो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिएगा। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो आपको परेशान होने कोई जरूरत नहीं है, क्यों हम आपको रास्ता बताएंगे। देखो भाई दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्र होता है और प्र से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि प्रेमचंद, प्रेमनाथ। अब आप क्या करेंगे तो भाई प्र को आप पास देखें, कहने करती है प्र को आप कन्या राशि में देख रहे। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि त्रियुगी, त्रिलोकी। अब आप क्या करेंगे तो भाई त्रा को आप ता से देखें, कहने करती है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि ज्ञानचंद, ज्ञानेन्द्र। अब आप क्या करेंगे तो भाई ज्ञा को आप गा से देखें, कहने करती है ज्ञा को आप मकर राशि में देख रहे। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्त्रा होता है और स्त्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे श्रीचंद, श्री राम। अब आप क्या करेंगे भाई स्त्रा को आप सा से देख रहे, ठीक है ना। अब हम आपको आज के राशि फल की जानकारी देंगे संपूर्ण राशि की, तो और साथ में कुछ चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए ठीक है। माता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की ओर दिखाई दे रहे हैं।
परंतु पिता को कष्ट होने के योग है, सरकारी कामों में दिक्कत आएगी। विशेष उपाय आपके लिए ये है, प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें तो इससे दिक्कत आपकी कम होगी। शुभ रंग है आपके लिए लाल और शुभ अंक 9, 18, 27। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज भाई बहन के सहयोग से रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी, साहस बल मजबूत रहेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, अपयश मिलने के योग दिख रहे हैं। तो विशेष उपाय आपके लिए ये है, स्नान करके आप सफेद कपड़े पहनिएगा, इससे दिक्कत आपकी कम होगी। शुभ रंग है सफेद आपका, शुभ अंक 6, 15, 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज धन संग्रह करने के मौके मिलेंगे आपको, परिवार का भी सहयोग मिलेगा, पुरुषोक्त शक्ति को हानि पहुंचेगी, आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय आपके लिए है, प्रातः स्नान करके तुलसी दल का सेवन करें, इससे जो है आपका दिन और अच्छा कटेगा। कैंसर कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज मन खुश रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, रोजी रोजगार मंदा रहेगा। विशेष उपाय, नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें तो दिक्कत आपकी कम होगी। शुभ रंग है आपके लिए सफेद और शुभ अंक 2, 11, 29। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिख रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, झगड़े झंझट की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। विशेष उपाय, लाल मसूर का दान करें आप तो इससे दिक्कत आपकी कम होगी। कन्या राशि यानी वर्गो, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु बुद्धि में शांति रहेगी, संतान को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ वाले आप सावधान हो जाइए, आज आपके लव पार्टनर से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय है, आप प्रातः स्नान करके तुलसी दल का सेवन करें, इससे आपकी दिक्कत कम होगी। शुभ रंग है आपका हरा, शुभ अंक 5, 14, 23। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु माता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, आपके लिए शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 6, 15, 24। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी, भाई बहन से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, इससे दिक्कतें आपकी कम होंगी। सजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज पुरातत्व विभाग का लाभ मिलेगा यानी पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं,
विशेष उपाय प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, इससे आपका दिन और अच्छा बीतेगा। शुभ रंग है आपका पीला, शुभ अंक 3, 12, 21, 30। कैटिका नैनी मकर राशि। मकर लग्न राशि के जातकों, आज पत पत्नी का आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, पर शरीर में कुछ दिक्कत होने की योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय अपने पूरे शरीर में सरसों के तेल की मालिश करके आप स्नान कर डालिए, इससे जो है दिक्कत आपकी कम होगी। कुबेरिया से यानी कुंभ राशि। कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज झगड़े झंझट की स्थिति आपके सामने आ सकती है, फिजूल खर्चे बढ़ने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आज आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। विशेष उपाय नहाने के पानी में काला तिल डालकर आप स्नान करें, दिक्कतें कम होंगी। पाइसिस यानी मीन राशि। मीन लग्न राशि के जातकों, आज विद्यार्थियों को विद्या का सुख प्राप्त होगा, संतान का सहयोग मिलेगा, बुद्धि के द्वारा धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ वाले खुश हो जाइए, आज आपके लव पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे। तो विशेष उपाय आपके लिए ये है, आज प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिएगा तो दिन और भी बेहतर बीतेगा आपका। शुभ रंग है आपका पीला, शुभ अंक 3, 12, 21, 30। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखिएगा। अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा महेंद्र काल और अमृत काल में क्या अंतर है ये जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जय माता दी।